हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ ना, वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड जो इंग्रेडिएंट की बात करूँगी, सिंगल एक इंग्रेडिएंट है, वो इतना अमेजिंग है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबा करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो इंग्रेडिएंट क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है, एक भगोने में पानी बॉईल करने रख दिया है। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये है पालक। जी हाँ, जिसे हम खाते हैं पालक, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इसे हम स्पिंच बोलते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद में पानी में डाल दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका 2 मिनट के लिए पानी को बॉईल करना है, मतलब पानी बॉईल हो गया है एंड 2 मिनट हमें इसके अंदर रखना है इसको, और उसके बाद में हम इस पूरे पालक को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी मैं आपको टोटली 3 से 4 रेमेडी लेकर आऊँगी। गाइज, ये बहुत अमेजिंग काम किया है इसने, सीरियसली, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। तो अब मैं आपके साथ 1 by 1 इसकी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसमें आज जो रेमेडी है वो है हेयर वॉश। आज मैंने आपको पालक का हेयर वॉश बताया है, कैसे बालों को धोएं इसके पानी से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो और इसी के ऊपर आने वाली है। तो चलो सबसे पहले ये वाली देख लेते हैं। और पहले मैं आपको बताती हूँ, पालक आपने कभी आज तक बालों के लिए तो यूज़ नहीं किया होगा, आपने सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खाई होगी, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर होता क्या है। गाइस, पालक के अंदर आयरन होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और फॉलेट होता है। ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गुडनेस, इतने सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबा करने का काम करते हैं। इसमें जो विटामिन ए होता है ना, वो आपकी स्कैल्प की जो स्किन है उसके ऊपर जो सीबम आ जाता है ना, जैसे ऑयली ऑयली वैक्स टाइप स्किन निकलती है ना, उस स्किन से उसके प्रोडक्शन, मतलब जो होता है उससे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपकी जो स्कैल्प है उसको हेल्दी बनाती है, ठीक है। एंड डैंड्रफ पे बहुत अच्छा काम करती है। इस आपकी जो स्कैल्प की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है ना डैंड्रफ से वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो ये डैंड्रफ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ आपने देखा, 2 मिनट के बाद में मैंने इसको सेपरेट कर लिया है पालक को, और ये हमने वाटर को गलती से भी इसको नहीं फेंकना है। ये इतना अमेजिंग वाटर है और बहुत ही अमेजिंग आपके बालों पर काम करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस, मैं कुछ एसेंशियल ऑयल्स इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास अगर एक एसेंशियल ऑयल है तो वो डाल देना, 2 है तो डाल देना, 3 है तो डाल देना, ठीक है। और एक भी नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं ना, वो आपको 4 कैप्सूल डालने हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। मेरे पास एसेंशियल ऑयल्स हैं इसलिए मैंने सारे डाले हैं, और मैं आपको इसमें इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पालक अकेला ही आपकी जो हेयर की जो प्रॉब्लम्स है ना उनसे अकेला ही लड़ लेगा। इसको साथ में अपने और है ना क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड को लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो यूकेलिप्टस मैंने एसेंशियल ऑयल लिया है और सभी की मैंने 5-5 ड्रॉप्स डाली है। और जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ये पूरे 100% प्योर फॉर्म में होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, डायरेक्ट हमें इसको स्कैल्प पे या नहीं लगाते हम इसे, हमेशा किसी ऑयल पैक, जेल है ना, हेयर वॉश किसी में भी इसको साथ में ऐड करके मिक्स करके इसके कुछ ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं। आपको ये सारे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो पर्पल पे आपको सभी ब्रांड के मिल जाएंगे। एल्प्स गुडनेस के भी एसेंशियल ऑयल्स हैं एंड गुड वाइब्स के भी हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये मेरे पास वाओ ने मुझे सेंड किए थे, लेवेंडर और यूकेलिप्टस, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, 100% प्योर है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए, यूकेलिप्टस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए, मतलब ओवरऑल जितने भी मैंने यहाँ एसेंशियल ऑयल डाले ना वो सभी आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर 1-2 चीज़ें और पालक के फ़ायदे बताऊँगी गाइस, बिकॉज आपने कभी आज तक पालक को यूज़ नहीं किया है अपने मतलब बालों के लिए एटलीस्ट, है ना, इसलिए मैं आपको थोड़े से इसके और फ़ायदे बता दूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जिससे आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो 10 गुना बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि आयरन आपके बालों की जो जड़ें हैं ना गाइस
उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और उसको जब ऑक्सीजन मिलेगा तो सोचिए आपके बाल कितने तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको और इसके फ़ायदे बताऊँ तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये, जिससे आपके हेयर फॉल हो रहा है ना, बाल डैमेज हो गए हैं तो उसको भी ये रिपेयर करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एंड आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाने का काम करता है, डैंड्रफ को हटाता है एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी जो डैंड्रफ है ना उसको हटाता है, क्यों, डैंड्रफ की वजह से आपको पता है हमारी स्कैल्प है वो बहुत वीक होने लगती है और जो हमारे बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए हमारे जो बाल है ना तेज़ी से हेयर फॉल होने लगता है। तो ये सब पर बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं वन बाय वन में सारे एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ मैं, नाम आपको शो कर रही हूँ ना, तो आप लोगों ने देखा होगा नाम, तो मैं बीच में देखो इसके फ़ायदे बताती मैं उसके नाम नहीं बता पाई, सॉरी, आप लोग देख लेना। ये लेमन ग्रास का मैंने डाल दिया है, मतलब मैंने टोटल जो लिए ना मैं सबके नाम आपको एक साथ बाद में बता दूंगी। ठीक है, ये लेमन ग्रास है, ये आपके स्कैल्प में इचीनेस हो रही है ना, अभी कल ही कमेंट आया था कि हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचीनेस की प्रॉब्लम है, तो आप लेमन ग्रास वाला यूज़ करिए, ये काफ़ी अच्छा है, इससे सिर में जो भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इचीनेस होती है ना, वो सारी हट जाती है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ये सारे एसेंशियल ऑयल, इसलिए मैंने इसमें ये डाला है, अदरवाइज आप इसे अकेला भी लगा सकते हैं। अनियन है, आपको पता है अनियन आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है एंड 100% प्योर फॉर्म में होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अनियन की भी 5 ड्रॉप डाली। एक बार मैं सारे आपको वापस से बता देती हूँ, मैंने यूकेलिप्टस डाला है, लेवेंडर लिया है, रोजमेरी लिया है, ठीक है, टी ट्री लिया है, अनियन लिया है एंड मैंने लेमन ग्रास, टोटली मैंने 6 एसेंशियल ऑयल्स इसमें ऐड किए हैं। ओके, आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं है तो आप मत डालिएगा, क्योंकि गाइस मेरे पास है तो मुझे इसको ख़त्म भी करने पड़ेंगे ना, क्योंकि इनकी सेल्फ लाइफ 2-2 साल होती है, 2-2.5 साल, और ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं, कुछ ड्रॉप्स ही हमें यूज़ लेनी होती है, तो फिर ये ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएँ, इससे तो बेटर है हम इसको यूज़ करें, है ना, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप मत डालिएगा। तो यहाँ हमारा टोटली ये हेयर वॉश बन के पूरा रेडी हो गया है एंड इसे आपको कब यूज़ करना है वो भी मैं आपको तरीका भी बताऊँगी कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आगे आप डेमो भी देखेंगे एंड इसको आप जरूर यूज़ करना गाइस। आप घर पे पालक तो सभी के घर में बनता है, जब भी पालक बनता है तो आप इस तरह से थोड़ा सा ही पालक ले लो, एक कटोरी मतलब 10-15 पत्ते लेकर एक ग्लास पानी में इसको बॉईल कर लीजिए और अपने लिए हेयर वॉश बना लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम करता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको एक है ना, इस पानी को अब मुझे अपने पूरे हेयर को वॉश करना है, तो इसके लिए अब ये बाउल से मैंने इसको एक मग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मग जो हम नहाने का यूज़ करते हैं उस मग में आप ट्रांसफ़र कर लिए, ताकि आप जब लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको। ठीक है, तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है इसको, तो आप लोग इसे गाइस जब भी हेयर वॉश कर रहे हैं ना, जब आपको जैसे आज हेयर वॉश करना है तो उससे पहले आपको ये लगा लेना है, आधे घंटे के लिए अपने सिर पे लगा रहने दीजिए, आधे घंटे बाद में बस नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लीजिए, शैम्पू करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इसको सिर्फ पानी से यूज़ कर लीजिए। एंड इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आप अपने जैसे कि बालों को पूरा आगे की तरफ है ना करेंगे, उसके बाद में इसको बस सिर के ऊपर पानी को गिराना है और पूरी स्कैल्प के ऊपर पानी आ जाएगा, आपके बालों की लेंथ पर आ जाएगा, पूरे अच्छे से पानी आ जाएगा, उसके बाद में एक बन बनाकर और छोड़ देना है। अब बात आती है कि हमारे ऑयल लगा है तो क्या हम यूज़ करें, जी हाँ, रात को ऑयलिंग की है तो भी आप मॉर्निंग में इसको यूज़ कर लीजिएगा, ऑयल नहीं है तो भी यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में हेयर वॉश कर लीजिएगा, एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए, देखिए केमिकल वाले शैम्पू न लें, जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो उस पर पैराबिन सल्फेट नहीं होना चाहिए, सल्फेट तो नहीं होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्श एक साबुन होता है ना, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला, तो इस सल्फेट वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैंने इस तरह से लगा लिया है, आपको भी ऐसे ही लगाना है, और जब हम इसे लगाएंगे ना तो ये हमारी जो स्कैल्प है उसके अंदर जाएगा, अंदर अच्छे से पेनिट्रेट होगा, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग बस आधे घंटे रखेंगे इसको, आधे घंटे बाद में हेयर वॉश कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा लग चुका है एंड बस वॉश कर लेना है, और बस वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, और सभी के साथ में शेयर भी करना,
एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है गाइज। और कल परसों की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिए, हेयर फॉल पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल होने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है। इसी टॉपिक पर है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ हेयर फॉल, इसी टॉपिक से है, थंबनेल पर लगा रखा है मैंने। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, प्लीज़ 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 ज़रूर देख लीजिए। और जिसके बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रेजी हेयर हैं वो लॉरियल का जो मैंने रिव्यू किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम का, वो भी देख लेना, वो भी अमेजिंग, सुपर डुपर अमेजिंग है वो। ठीक है, तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।